वोट लेने के टाइम पे तो तरवा चाटते हो रहा है, इस समय वोट लेके जो नेता बन गए कुछ नहीं सुनाई कर रहे, लाइट नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा, सब चीज से तो परेशान हो रहे। हमारी बेटा है ना सात पैरिंग गुजर गई, हाँ सात पैरिंग गुजर गई, हम झूठी नहीं बोल सकते हैं, हैं? और जो जगह पे हमारे कब्जा कर रहा है और जो हमारे मकान टूर फूर कर दिया है, कौन सा है जो वालो वाला, मतलब वो कब्जा कर रहा हो, धमकी दे भी आज रात के आग लगा देंगे, मार डालेंगे, गोली मार देंगे, बेस हमारी जगह छील रहा है और जो घर पकड़ पटक रहे हैं, और बादशाह काकत कह रहे हैं हम पूरे पे मशीन चला देंगे, आ रहे यहाँ तब भज्जा सो हमें बंगे बिटिया ने परेशान कर रहे हैं, गाड़ी गुल्ला दे रहे हैं, उल्टे सीधे बोल बनिया है, और आज से नहीं वो 10 साल से परेशान कर रहा है, अभी का नहीं परेशान कर रहा है, लेकिन यह ना शिकायत कर करके थक गया बिल्कुल, कोई नहीं सुनाई करता, यहाँ का ना प्रधान सुनाई कर रहा है ना यहाँ का कोई, 10 साल हो गए। कितने लोगों के घर थे जो यहाँ पे जो अभी तोड़ फोड़ हुई है, कितने लोग? पाँच के। और कौन कौन आप थी और ये हमारे टोड़ा रहे मकान कल रात में। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज तंत्र। अभी हम खड़े हैं कानपुर रोड पर, और कानपुर रोड पे ये, हाँ कानपुर बाईपास पे, और पीछे इसके पीछे बजरंग चौकी है। आप पहले ये नज़ारा देख लें कि यहाँ आदिवासी बस्ती ये बसाई गई थी, जो इन लोगों के द्वारा हमें बताया गया है कि इनको इसका सरकारी पट्टा उपलब्ध कराया गया था, जिसके कुछ एक दो कागज हमारे हाथ में हैं, उस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये कागज कितने सही हैं कितने गलत हैं, हालांकि हमें ये उपलब्ध कराए गए हैं। और एक इसी में आगे एक तहसीलदार साहब को और उपजिलाधिकारी जी को एक शिकायत पत्र इसमें दिया गया है, उसमें सीधा वो लिखा गया है कि जो इनकी ज़मीन है उस पे किसी गांगल द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, ऐसा इन आदिवासी बस्तियों का इन लोगों का ही आरोप है। आप देख सकते हैं, पहले आप पूरे विजुअल से आप देख लें, ये लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं और ये तोड़फोड़ कल की गई है, और अभी ये लोग नई तहसील में थे, तमाम लोग हमें वहाँ भी ये लोग मिले, इन लोगों से जानेंगे पूरा मामला क्या है, कब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, कौन ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, क्या है पूरा मामला, कौन बताएगा हमें पहले विस्तार से। हाँ क्या नाम है अम्मा आपका? राजू। खड़ी हो जाओ, बस 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 बस, हाँ आप बताओ नाम क्या है? राजू। राजू, हाँ। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? हमारी बेटा है ना सात पैरिंग गुजर गई, सात पैरिंग, हाँ सात पैरिंग गुजर गई, हम झूठी नहीं बोल सकते हैं, हैं? और जो जगह पे हमारे कब्जा कर रहा है और जो हमारे मकान टूर फूर कर दिया है, हमें इंदिरा के राज की जगह है, जीती जगह हाई कोर्ट से हम जीते बैठे, और इस जगह को एक एक रखबा बनो, और एक रखबा है गो से एक ही रखबा है, जो पोठो है तो हम आओ, हाँ अब जो और आ रहा है बेस हमारी जगह छील रहा है और जो घर पकड़ पटक रहे हैं, और बादशाह काकत कह रहे हैं हम पूरे पे मशीन चला देंगे, आ रहे यहाँ तब भज्जा सो हमें बंगे बिटिया ने परेशान कर रहे हैं, गाड़ी गुल्ला दे रहे हैं, उल्टे सीधे बोल रहे हैं। कौन कर रहे हैं आप जानती हैं उनको? अब हम इसको ना नहीं जानत कौन है, हाँ ना ना बताओ कौन ना जानते ना ना हम ना को है वो सुनार है, हम उसका नाम नहीं जानते हैं साहब, क्या नाम है उसका नहीं तो यहाँ बता, यहाँ आपने जब कौन आता है यहाँ पे जो तोड़ फोड़ करने, जब आप लोग नहीं होते क्या यहाँ? हम मजदूरी को चले जाते हैं साहब, रात में आते हैं टोर जाते हैं चले जाते हैं, जाने सेंगेंदर गांगर का कथ हम नहीं जानते बेटा, ना हम बा को नाव नहीं जानत का नाव है बा। आप ही लोगों की बस्ती उस साइड बसी हुई है? हाँ बीच में हो जाओ हाईवे कट गाओ, ये कई मोहल्ला है तो जो हम आओ, हाँ ये कई मोहल्ला है तो हम आप पूरा जो सिर्फ बीच में हो हाईवे कट गाओ, अब बेटा भगा रहे जी हम। वहाँ गई थी तहसील इनको एलडीएम साहब को ये शिकायत पत्र देने, उन्होंने क्या कहा? मैंने जो कहा कि आप पहुँचो हम आ रहे हैं वहीं बीचा, वहीं आ रहे हैं, हाँ मैंने जो कही। आप इसमें जो हमारे हाथ में लिस्ट है करीब 38 लोगों की लिस्ट है, और जिसमें पूरी रूपरेखा जो हिसाब से जो होती है आवंटन के लिए, ठीक है पूरे नहीं तो कहानी का आप टोटल वो पूरा चाहते हैं कोई, या बोल ले
समस्या सबसे बड़ी ये है कि पूरे मामले की जानकारी तब हो पाती है जब इनमें कोई मुख्य रूप से कोई जानकारी उपलब्ध कराए। कोई नहीं था क्या तब? कोई नहीं था जब वो लोग आए थे? नहीं, कोई नहीं था। हमारे मकान जो सोने में फटक गया और चले गए। हमें बहू बेटी हटी, धमकी दी गई उसको, बे डरा के अपने बाहर बैठ गई। तो कह तो कुछ रहा होगा उसने खरीदी है, क्या किया कि हमारी जमीन है? कह रहा हमने खरीदी जगह। किससे खरीदी? कौन सी वाली जमीन? हाँ, कह रहा हमने खरीदी है और भैंसू पास से वाली खरीदी के पूरी खरीदी पूरी खाए पूरी खरीदी कह रहा हमने हैं। तो जय तो हम कह रहे हैं कि बताते कौन सा खरीदी थे, हमें मोड़ी मोड़ा आ गया सुबह से गाड़ी लेके भाग गाओ। हाँ, फिर वो लौट के नहीं काहे लड़ रही, क्या हो गया? अरे तो का नहीं बोलाने, बताओ का कह रही? तुम बता दो का कह रही। वो बनिया है और आज से नहीं, वो 10 साल से परेशान कर रहा है, अभी का नहीं परेशान कर रहा है, लेकिन यह ना शिकायत कर करके थक गया बिल्कुल। कोई नहीं सुनाई करता, यहाँ का ना प्रधान सुनाई कर रहा है ना यहाँ का कोई। 10 साल हो गए वोट लेने के टाइम पे तो तरवा चाटते हैं, अब इस सब में वोट लेके जो नेता बन गए कुछ नहीं सुनाई कर रहे। लाइट नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, सब चीज से तो परेशान हो रहे। आप पार्षद जी के पास गई थी अभी? हाँ, पार्षद जी के पास गए, तो पार्षद जी तो खुद यही आए थे, देखे क्या चले गए और कुछ भी नहीं बोलते पार्षद जी भी। अभी जो आप वहाँ गई थी SDM, वहाँ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या, तो आप चलो हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं। हाँ, अभी तक आए नहीं, हम आ गए पैदल पैदल चल के, वो नहीं आए चार पहिया की गाड़ी से। अगर कोई नहीं सुनेगा तो सीधे हम ऊपर जाएंगे बस। पूरा मामला जांच का विषय है और ऐसी कहानियां झांसी के तमाम कोनों से निकल के आ रही हैं, अवैध कब्जे को लेके जो आरोप लगते हैं। और अभी आप यहां देख रहे हैं, पूरी बस्ती को देख रहे हैं, इस बीच वाले प्लॉट से पूरी कहानी हुई। किसका है ये वाला है? जो तो हाँ, ये बाउंड्री बनी है, आप तो अभी कह रही थी हमारा है। कौन है आपका, कौन सा है? जो वालो आगे वाला। मतलब वो कब जो कर रहा हो, धमकी दे भी आज रात के आग लगा देंगे, मार डालेंगे, गोली मार देंगे। जब यहाँ से आप हटाएंगे तो कहाँ रह रही हैं आप? सड़क पे डरे, वहाँ पे है सड़क पे डरे। अच्छा, यहाँ कितने लोगों के घर थे जो यहाँ पे जो अभी तोड़ फोड़ हुई है? कितने लोग? पाँच लोग। पाँच के। और कौन कौन? आप थी और? और हमारे टूटा रहे मकान जी कल रात में, पाँच थे बाबू, पाँच पाँच दिन थे। हाँ, पाँच थे, पाँच थे लाख आ रहा। इन लोगों का कहना ये है कि इंदिरा के समय इनको ये आवास के लिए जमीन आवंटित की गई थी। अगर ये बिल्कुल सत्य है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बुरे तरीके से अन्याय हो रहा है। फिलहाल पूरा मामला एक जांच का विषय है, हम दोबारा कहेंगे और पूरा मामला जब तक जांच हो के सामने नहीं आ जाता तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।